वही बलौदाबाजार के थाना सिमगा पुलिस ने ग्राम चंदेरी में घर घुसकर मारपीट करते हुए हत्या करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सुकृति कुर्रे विवाहित महिला नंद कुमार पात्रे से प्रेम करती थी, जिसके चलते वह अपना ससुराल मुंगेली को छोड़कर अपने प्रेमी मृतक नंद कुमार के घर रहने आ गई थी। यही बात पता चलने पर सुकृति कुर्रे का आरोपी पति समेत 8 से 10 अन्य लोग सुकृति कुर्रे को वापस ले जाने के लिए ग्राम चंदेरी आ गए। इसी दौरान वापस ले जाने की बात पर आरोपी पक्ष और मृतक पक्ष में गंभीर विवाद हुआ और इस विवाद में आरोपियों ने महिला के प्रेमी नंद कुमार पात्रे के साथ मारपीट की, जिसके चलते उन्हें सिर में भी गंभीर चोटें आई। वह इस मामले की सूचना मिलते ही निरीक्षक गोपाल ध्रुव के नेतृत्व में थाना सिमगा की पुलिस बल तत्काल घटनास्थल पर चंदेरी पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान नंद कुमार पात्रे की मौत हो गई। ये पूरा मामला बीते दिनों का है, जिसमें आरोपी जो दिलीप कुर्रे हैं, इसके विवाह सुकृति कुर्रे से हुआ था, जो सिमगा की चंदेरी निवासी थी। विवाह पश्चात वो अपने जो प्रेमी नंद कुमार पात्रे के साथ ही रहने लगी थी, जिस पर आरोपी और उसके परिजन उसको समझाइश देने के लिए आए हुए थे। रात को जब आए तो दोनों पक्षों में काफी विवाद हुआ। विवाद होने के पश्चात दिलीप कुर्रे उनके जो परिजन द्वारा उसके जो प्रेमी नंद कुमार पात्रे उसकी माँ और उसके बड़े भाई के साथ मारपीट किया गया, जिस पर दोनों को काफी गंभीर चोट आई थी। बड़े भाई को छत पर फेंक दिया गया था। जब हॉस्पिटल में जब चेक किया गया तो आरोपी मृत पाया गया है और उसका जो बड़ा भाई काफी गंभीर हालत में था, जिस पर थाना सिमगा में 307, 302 और बलवा का मामला पंजीबद्ध किया गया और इसमें एक विशेष टीम गठित करके आरोपी पति सखी की गई, जिसमें आरोपी जो दिलीप कुर्रे है वो मुंगेली का रहने वाला पाया गया था। उसके जो अन्य जो रिलेटिव थे उनके भी गिरफ्तारी की गई है। कुल इस प्रकरण में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया।